बिहार बोर्ड ने इंटर यानी कि ट्वेल्थ वाले बच्चों का इंतजार खत्म कर दिया है और अब बारी है मैट्रिक यानी कि दसवीं के स्टूडेंट्स की। रिजल्ट के बाद कई बच्चे अपने मार्क्स से बहुत खुश हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं है। अगर आपको भी ये लगता है ना कि आपके मार्क्स कम मिले हैं या फिर एक बार फिर से आपके मार्क्स की, आपके नंबर्स की जांच होनी चाहिए, तो बोर्ड ने इसकी भी सुविधा दी है। यस, आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसके लिए भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये होगा कैसे, इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, कब से करना होगा, कहां पर जाकर करना होगा। अगर आपको भी इन सारे सवालों के आंसर जानने हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको स्क्रूटनी का प्रोसेस बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप कहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेकेड पर। आज की ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने नंबरों से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 28 मार्च यानी कि कल से इसका अवसर दिया जाएगा। आपको ये बता देते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपको 4 अप्रैल से पहले पहले अपना फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरना होगा बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि biharboardonline.bihar.gov.in। यहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपको उसे फिल करना होगा और आप उसके बाद स्क्रूटनी का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। अब चलिए आपको फटाफट ना स्टेप बाय स्टेप तरीका बता देते हैं जिसकी मदद से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यानी कि वो वाली वेबसाइट जो मैंने आपको अभी बता दी। उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्क्रूटनी का फॉर्म मिल जाएगा। अब आपको उस फॉर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पैनल पर जाना है और आपको जो टाइप ऑफ एग्जाम है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना रोल कोड और जो रोल नंबर है उसे भरना है, रजिस्टर करना है खुद को, और उसके बाद आपको अपना फॉर्म भरना है। और याद रखना है, फॉर्म भरने के बाद आपको उसकी फीस भी सबमिट करनी है। अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो जो स्क्रूटनी वाला फॉर्म है ना, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सो मेक श्योर करिए कि आप सारी डिटेल अच्छे से भरें और डिटेल भरने के बाद आप फीस भी सबमिट करें। जब आप फीस भर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जब आप उसे सबमिट कर ले तो आप मेक श्योर करिए कि आप उसकी एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लेते हैं। तो ये वो स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसकी मदद से आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो डाउट है ना आपके मन में कि यार आपको नंबर कम मिले हैं, इस सब्जेक्ट में नंबर कम मिले हैं या फिर इस क्वेश्चन में नंबर कम मिले हैं, तो आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है ना, उसका भी सेम यही प्रोसेस होगा। वेबसाइट पर जाकर ही आपको फॉर्म भरना है और आखिरी तारीख दोनों की ही सेम है, यानी कि 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से पहले पहले आपको कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी दोनों के लिए ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और सबसे अच्छी इस बार की बात यह है ना कि अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले भी हैं ना, तो भी आपके मार्कशीट में ये मेंशन नहीं होगा कि आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी विषय में आपके कम मार्क्स आए हैं और आप चाहते हैं कि मार्क्स को इन्हेंस करना है, तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बिहार बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म 2024। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगली बार फिर आएंगे ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टिकट।